सुनो एक काम छोड़ लोटे की बस, क्या कर रहा है यहाँ पे? काम क्या तेरा बाप करेगा? हाँ तुझे पता है मालिक को ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, उनके कपड़े प्रेस होने हैं, सुनाई नहीं देता तेरे को? अभी करता हूँ मैं साथ। तुझे मैं बताती हूँ आज, छोड़ इस पाइप में यहाँ पे, चल चल यहाँ से, चल तुझे बताती हूँ आज, चल अंदर। कामचोर कहीं का? कहाँ था ये कामचोर? ये कामचोर नीचे एक घंटे से पाइप लेकर खड़ा था। विवाह मैंने तुमसे कितनी बार बोला है यार, हटा दो इसे और रख लो कोई काम वाली, कुछ काम हम तो होता नहीं है इससे। नहीं साहब, आप मुझे काम से मत निकालिए, जो आप कहोगे वो मैं करूंगा। अच्छा सुनो, तुम मुझे जरा 500 रुपए दो, आटा मंगाना है, आटा ही खत्म हो गया है, इसके चक्कर में वो भी भूल गई। लो बोलो। ये ले पकड़ पैसे, और सुन सीधा बनिए की दुकान पर जाना और आटा लेके इधर आना, कभी इधर उधर टहलने निकल जाए। चल जा। तुमने लंच नहीं बनाया अभी तक? अरे यार इसके चक्कर में ना लंच रह गया। अब मुझे देर हो रही है, तुम जल्दी बना के लो। तुम बैठो, अभी 10 मिनट में बना देती हूँ। ठीक है जाओ। और पहलवान क्या बनाए खिलाएगा आज मुझे? जो कहोगे दीदी वो खिलाऊंगा। चल घर जाके बताऊंगी क्या खिलाएगा तू मुझे। दीदी इसके माँ बाप कितने कसाई हैं, सिर में कितना बोझ ला दुआते हैं। सही कह रहा है पहलवान, इससे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा, चल तो चल के देखते हैं। बेटा इसमें क्या है? इसमें आटा है, मैडम जी ने बोलते है आटा लाने को। मैडम जी? कौन सी मैडम जी? जिनके यहाँ मैं नौकरी करता हूँ वो मैडम जी। ये देना बेटा मुझे, ये दो, ये पकड़ पहलवान। बेटा तुम इतना भारी कैसे लेके आ गए थे, कोई रिक्शा वगैरह कर लेते? मैडम जी रिक्शा का किराया नहीं रहती, इसलिए सारा सामान सर पे रख के लाना पड़ता है। दीदी इतना छोटा बच्चा है, इसके सिर में बहुत धुरवाते हैं। सही कह रहा है पहलवान। बेटा तुम किसके यहाँ काम करते हो? यही तो है मैडम जी का घर। बेटा तुम पढ़ाई नहीं करते हो क्या, और क्या जरूरत है ये सब काम करने की? दीदी मेरे पापा नहीं है और मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं दवाई के लिए काम कर रहा हूँ। दीदी कितनी चंडाल औरत है, छोटे से बच्चे कितना काम करा रही। सही कह रहा है पहलवान। दीदी पेट भर के खाना बिन देती ऊपर से और मारती भी और है। एक काम कर बेटा, चल तो जरा, जरा चल पहलवान, आ मेरे साथ। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, ये इतना प्यारा मासूम सा बच्चा, इसके साथ तुम लोग नौकरों जैसा बर्ताव करते हो, हैं? कितना भारी सामान लेके आता सिर पे ये, तुम्हें शर्म नहीं आई इसे ये काम करवाने के लिए? अपनी माँ की नौकरी पूरी करने के लिए यहाँ काम कर रहा है, ताकि इसके माँ की दो टाइम की दवाई मिल सके। अपने बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हो तुम लोग, बिठा के प्यार से खाना खिला रहे हो ना, ये भी तो किसी का बच्चा है। दीदी हमें माफ कर दो प्लीज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आज के बाद कभी किसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं करेंगे। गलती हो गई चिंगारी जी, अब इस बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखेंगे। चिंगारी जी प्लीज माफ कर दो, प्लीज चिंगारी जी माफ कर दो। हाँ दीदी अभी माफ कर दो। मन तो कर रहा तुम दोनों का टेठुआ दबा दूं, लेकिन नहीं, तुम्हारी बच्ची की शक्ल देख ली मैंने। दीदी हमें माफ कर दो, हम अपने बच्चे की तरह ही इसको पालेंगे। आज के बाद से ये बच्चा तुम दोनों के पास काम नहीं करेगा, इसको मैं अपने घर ले जा रही हूँ, वहीं पे इसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, बड़ा आदमी बनाऊंगी, समझे? और इसकी माँ की देखभाल भी मैं ही करूंगी। चल बेटा चल पहलवान। दीदी माफ कर दो, आज के बाद हम इसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। चिंगारी किसी को मौका नहीं देती, तुम दोनों की जान बख्श दी मैंने, यही समझे तुम लोग? चल।